आपको आईएएस क्यों बनना है समझ लीजिए। अगर आईएएस बनने के अतिरिक्त कारण है तो अलग बात है। जैसे कुछ लोग इसलिए आईएएस बनते हैं कि उसका हाथ तभी मिलेगा जब मैं आईएएस बन के उसके पापा को दिखा दूंगा। अगर कोई ऐसी वजह है तो अलग बात है ना, वो तो पर्सनल वजह है आपकी, मैं केवल शुभकामनाएं आपको दे सकता हूँ उसके लिए। लेकिन अगर आईएएस बनना है इसलिए कि आप एक अच्छे सिविल सेवक बनना चाहते हैं, देखो सिविल सेवक बनने का असली मजा ना केवल एक पद पे है, उसको बोलते हैं सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी नहीं, भारत सरकार में सेक्रेटरी, सचिव, पूरी मिनिस्ट्री का प्रमुख होता है। मतलब कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो उसको बोलते सेक्रेटरी। अगर ताकत देखनी है तो फिर उस पद में देखिए, बाकी सब तो कलेक्टर तो बच्चा होता है। कभी सेक्रेटरी के सामने कलेक्टर आ जाए, कलेक्टर को टॉफी देता है कि लो बेटा टॉफी खा लो। सच में वो हालत है, जैसे आप तो छोटा बच्चा आपके सामने, आप क्या करते हो उसको टॉफी देते हैं ना, ठीक वैसे सेक्रेटरी के सामने कलेक्टर की वही हालत है जो आपके सामने 4 साल के छोटे बच्चे की है, जिसके जूते में पीपी लगा हुआ है ना, वैसा वाला बच्चा जो होता है वो स्थिति है। कलेक्टर तो बहुत छोटा पद है आईएएस की दुनिया में, कि जैसे कोई बना आईएएस 3-4 साल हुए, चलो चलो एक जिला जिला खेल लो, तुम जाओ एक जिला खेलो, जिले से खेलो 4 साल, अब बड़े जिले से खेल लो, खेल लिए जिला जिला, चलो अब काम शुरू करते हैं, सीरियस काम शुरू करते हैं। तो जिला तो इसलिए देते हैं कि एक बेसिक ट्रेनिंग हो जाए प्रशासन संभालने की। संभालना तो राज्य है, संभालना तो देश है आगे चलकर। अब होम मिनिस्ट्री में जो सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी, उसकी ताकत समझ रहे हैं आप क्या है? जितनी ये आईबी वाईबी जितनी संस्थाएं हैं, जितने सीएपीएफ हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये सारी की सारी संस्थाएं उस एक व्यक्ति के अंडर हैं। कभी अंदाजा लगा के देखिएगा। पहले मैं आईएएस वाली क्लास में समझाता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक पद है जॉइंट सेक्रेटरी बैंकिंग। जॉइंट सेक्रेटरी का मतलब आईएएस अभी 18 साल की सर्विस कर चुका है, 18 से 22 के बीच में है लगभग। और जॉइंट सेक्रेटरी बैंकिंग का मतलब है कि देश का कोई भी बैंक और बैंकिंग से जुड़ा कोई भी मामला उसके अंडर है। आप सोचिए सारे के सारे बैंक इस देश के आपको रिपोर्ट करते हैं। अभी तो अकाउंट खुलवाने में टाइम लगता है बहुत ज्यादा, आप गए अकाउंट खोल दो, चलो आधे घंटे बाद आना। फिर जब आप फोन करेंगे ना कि भाई साहब अकाउंट खुलवाना है, तो बोलेंगे सर मतलब बैंक भेज दें या आप आएंगे।